also found value of magnetic field intensity at the axis of a solenoid as well as for a toroid. It is mu 0 times of Ni, n number of turns present in unit length. उसको हम बायस सेवर्स लॉ से भी वेरीफाई कर सकते थे, जो मैं आज सबसे बाद बताऊंगा. अभी एक नई चीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ लॉरेंज फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग चार्ज विच एंटर्स इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एट सम एंगल थीटा. ठीक है, लॉरेंज फोर्स. लॉरेंज एक साइंटिस्ट का नाम था, उसने सबसे पहले इसको देखा, डिस्कस किया, कि उसने बताया कि वेन एवर चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स विच इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इट्स वैल्यू इज क्यू इन टू ई वैक्टर. पढ़ा था अपने ये फर्स्ट चैप्टर में. बट एट द सेम टाइम इफ इट एंटर्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो देन ऑल्सो इट एक्सपीरियंसिस अ फोर्स एंड दैट्स वाई इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस. आपको पता है कि फोर्स के क्या क्या इफेक्ट होते हैं. फोर्स जब किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करते हैं तो या तो वो एक्सेलरेट या डी एक्सेलरेट होता है, या वो रोटेट करने लगता है किसी एक्सिस के अराउंड, टॉर्क में कन्वर्ट हो जाता है, या उसके शेप या साइज में चेंज होता है. यहाँ शेप और साइज वाली तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि फॉर्म जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो डिफॉर्मिंग नहीं है. तो आइदर उसका एक्सेलरेट होगा या रोटेट होगा. यहाँ एक्सेलरेट नहीं होता, वो रोटेट होने लगता है. ठीक है, इट स्टार्ट्स टू मूव इन ए पाथ विच इज़ आइदर सर्कुलर और हेलिकल. अभी अपन देखेंगे 90 डिग्री पर जब एंटर करेगा मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड यहाँ कहाँ लगा हुआ है, परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल टू द प्लेन इनवर्डली, क्रॉस से शो किया है. ठीक है, और ये वी वेलोसिटी से एक चार्ज क्यू, पॉजिटिव चार्ज क्यू इसमें एंटर हो रहा है. तो ये इधर एंटर हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो इनके बीच का एंगल कितना आ जाएगा, 90 डिग्री. थीटा डिग्री पर एंटर होगा तो हम देखेंगे किस तरीके से गोल गोल होते हुए आगे की तरफ ही बढ़ेगा, यानी उसका शेप जो रहेगा हेलिकल रहेगा. यहाँ पर जैसे ही एंटर होता है ये सर्कुलर मोशन में मूव करना चालू कर देता है. आपको पता है सर्कुलर मोशन में मूव करने के लिए सेंट्रीपेटल फोर्स चाहिए. कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप रोटेट नहीं करता, सर्कुलेट नहीं करता, सर्कुलर मोशन नहीं आता जब तक कि उसके ऊपर सेंट्रीपेटल फोर्स अप्लाई ना करें. तो यहाँ पर भी सेंट्रीपेटल फोर्स अप्लाई हो रहा है जिसके कारण वो रोटेट होना शुरू हो जाता है. सबसे पहले लॉरेंज ने बताया था कि ये जो फोर्स होता है लॉरेंज फोर्स, इट्स वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टिकल प्रेजेंट ऑन दैट पार्टिकल. नंबर टू, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वी. ठीक है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मॉड बी एंड इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन वी एंड बी. अभी तो वी और बी के बीच का एंगल 90 है, अदरवाइज थीटा होगा तो एक उस एंगल साइन थीटा पर डिपेंड करेगा. सेम डायरेक्शन यदि होगी वेलोसिटी वी और बी की तो फोर्स ही एक्ट नहीं करेगा, कि साइन जीरो हो जाएगा. रिपीट, लॉरेंज टोल्ड दैट द फोर्स, लॉरेंज फोर्स, इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ दैट चार्ज, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इन विच इट इज एंटरिंग एंड इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन वैक्टर वी एंड वैक्टर बी, बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी. व्हेन यू कंबाइन 1, 2, 3 एंड 4, व्हेन यू कंबाइन 1, 2, 3 एंड 4, तो अपने को मिलता है मॉड एफ इक्वल्स टू क्यू वी मॉड बी मॉड साइन थीटा. इसमें जो कांस्टेंट है प्रोपोर्शनली कांस्टेंट, उसकी वैल्यू 1 आती है यदि हम एसआई सिस्टम में सॉल्व कर रहे हैं. ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 5 है, इसको 1 दे दिया, 5 1, बिकॉज वी कैन ऑल्सो राइट इट इन वैक्टर फॉर्म. वैक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, एफ वैक्टर इक्वल्स टू क्यू इन टू वी क्रॉस बी, यानी वी मॉड बी मॉड साइन थीटा को वी क्रॉस बी लिख सकते हैं. ठीक है, तो ये उसका वैक्टर फॉर्म हो जाएगा. ठीक, ये शो करता है कि ये फोर्स की वैल्यू थीटा पर डिपेंड करती है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अभी हमने थीटा 90 ली है तो साइन 90 लेंगे, जीरो हो जाएगा तो फोर्स एक्ट नहीं करेगा. ठीक है, अब ये दोनों फोर्सेज, यानी ये वेक्टर फॉर्म में जो लॉरेंज फोर्स निकला वो ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड एंड लॉरेंज फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों को जब प्लस करते हैं तो इससे नेट लॉरेंज फोर्स मिलता है. तो नेट लॉरेंज फोर्स इज क्यू वी क्रॉस बी प्लस क्यू इन टू ई क्रॉस ई वैक्टर. ठीक है, याद रखना है कि कई बार अपने को ऑप्शनल क्वेश्चन में आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट आंसर और करेक्ट वैल्यू ऑफ लॉरेंज फोर्स. तो आपको पता होना चाहिए सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के कारण लॉरेंज फोर्स इतना होगा, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इतना होगा, और दोनों यदि साइमल्टेनियसली अप्लाइड हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तो नेट वैल्यू ऑफ लॉरेंज फोर्स इतनी होगी. ठीक है, ये तो फोर्स की वैल्यू होगी. अब ये फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, इसके लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करते हैं. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड
रूल क्या कहता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये मेरा राइट हैंड है जिससे मैं लिख रहा था, ये लेफ्ट हैंड है। अक्सर आप लोग कंफ्यूज होते हैं, मैं तो होता हूँ, तो इसलिए आप सही तरीके से पता लगा रहे हैं राइट और लेफ्ट कौन सा है। ये लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड के थंब, फर्स्ट फिंगर और मिडिल फिंगर को इस तरीके से स्ट्रेच करना है कि वो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, हर जगह 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। एंड नाउ वी शो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ दैट पॉजिटिव चार्ज विद द हेल्प ऑफ मिडिल फिंगर। ये मिडिल फिंगर है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट फिंगर, ये फर्स्ट फिंगर है, थंब के बाद जो होती है फर्स्ट फिंगर है। देन द डायरेक्शन ऑफ लॉरेंज फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय द डायरेक्शन ऑफ थंब, ठीक है। तो थंब किसको इंडिकेट करता है? लॉरेंज फोर्स को। फिर से रिपीट करें, इफ यू प्लेस फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन सच ए वे दैट मिडिल फिंगर इंडिकेट्स आर इट इज प्लेस्ड अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मिडिल फिंगर फर्स्ट फिंगर इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, देन डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज गिवन बाय दिस थंब, ठीक है। वीडियो क्लियर नहीं है, ये हर्षित का कहना है क्या? ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार बोलता है कि 1,000,000 वोल्ट से एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी आपको पता है, इलेक्ट्रॉन का मास भी आपको पता है, 1,000,000 वोल्ट दिया तो वी भी पता है। इट एंटर्स इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1.6 टेस्ला, बी भी गिवन है। तो पूछता है व्हाट इज रेडियस ऑफ इट्स पाथ, तो उसके लिए अपने को इक्वेशन 4 याद रखना है। फिर से रिपीट करूँ मैं, सबसे पहले तो ये कि लॉरेंज फोर्स जब भी एक्ट करेगा और एक चार्ज पार्टिकल जब एंटर होगा किसमें, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, एंगल थीटा पर ना, यहाँ पर 90 पर लिया है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में रोटेट करने लगेगा। इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बने रहने के लिए इट विल रिक्वायर सेंट्रीपेटल फोर्स विच इज ऑब्टेन्ड बाय दिस लॉरेंज फोर्स। तो लॉरेंज फोर्स विल प्रोवाइड रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ सेंट्रीपेटल फोर्स, ठीक है। तो लॉरेंज फोर्स एफ एल मॉड इज इक्वल टू सेंट्रीपेटल फोर्स एफ सी मॉड, ठीक है। एफ एल मॉड के लिए अभी अपने निकाला क्यू इंटू वी मॉड इंटू बी मॉड इंटू साइन 90 इक्वल्स टू एफ सी मॉड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, वी मॉड से वी मॉड कैंसिल हो जाएगा तो आर इक्वल्स टू एम वी अपॉन क्यू भी, ये पहला हो गया। दूसरा, यहाँ पर एम इंटू वी को आप क्या बोलते हैं, लीनियर मोमेंटम पी वैक्टर या पी मॉड, ये पी मॉड रख देंगे यहाँ पर इक्वेशन वन में, तो पी मॉड अपॉन क्यू इंटू वी हो जाएगा। ऑल्सो पी मॉड इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी होती है, ये वैल्यू रिप्लेस कर देंगे यहाँ पी मॉड की जगह पर, तो अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन क्यू भी हो जाएगा, यहाँ b को मॉड लिख सकते हैं। नाउ काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, तो q इंटू भी हो जाएगा, ये वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर देंगे तो अंडर रूट 2m क्यू ही अपॉन क्यू इंटू बी, एक रूट क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा और एक बी वैसे ही रह जाएगा, तो ये फाइनल आंसर आ गया। अब इसका टाइम पीरियड भी निकालना है अपने को। टाइम पीरियड इज न्यूमेरिकल इक्वल टू सर्क्यूमफेरेंस अपॉन स्पीड, ये होता है टाइम इक्वल टू क्या होता है, सर्क्यूमफेरेंस को पूरा सर्क्यूमफेरेंस ट्रैवल करने के लिए जो टाइम लगता है वी कॉल इट टाइम पीरियड, तो सर्क्यूमफेरेंस अपॉन वेलोसिटी हो जाएगी। सर्क्यूमफेरेंस की वैल्यू 2πr अपॉन वी, आर की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे वो इक्वेशन नंबर वन से, तो 2π इंटू एम वी अपॉन क्यू बी और उसके अपॉन में क्या है वी, ये वी से वी कैंसिल हो जाएगा तो 2πm अपॉन क्यू बी, दिस इज वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, क्योंकि अभी अपन पढ़ने वाले हैं साइक्लोट्रॉन नाम का एक इंस्ट्रूमेंट, उस साइक्लोट्रॉन में ये फॉर्मूला उसका प्रिंसिपल बनता है। T इज ऑल्सो इक्वल टू 1/f, तो f की वैल्यू कितनी जाएगी, क्यू बी अपॉन 2πm। क्या शो कर रहा है ये, दैट T इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, T की वैल्यू वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रही है, ज़्यादा वेलोसिटी से घुसेगा रेडियस का पाथ भी बढ़ जाएगा, रेडियस की वैल्यू बढ़ जाएगी, निकलेगा उतने टाइम के बाद, यानी टाइम पीरियड विल रिमेन अनचेंज्ड। तो वेलोसिटी की वैल्यू यदि चेंज भी हो जाती है तो उसे टाइम पीरियड की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। और ये अपन देखेंगे बाद में साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल बनेगा। इतना समझ में आ गया, तो दूसरी चीज़ ये पूरी जो कंप्लीट हुई है, ठीक, उसमें न्यूमेरिकल्स के लिए यूज़फुल कौन से हैं, इक्वेशन नंबर 3 और 4 है, ठीक।
ठीक है, अक्सर इनका यूज़ करके अपने को न्यूमेरिकल्स करना है। और टाइम पीरियड की वैल्यू इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी होती है, याद रखना जरूरी है, क्योंकि ये बाद में साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल बनेगा। ठीक है, तो ये पूरा हो गया हो, तो ये तो थीटा इक्वल्स 90 वाली कंडीशन में एंटर हो रहा था। ठीक है, जब किस में एंटर हो रहा था, थीटा इक्वल्स टू 90। लेकिन 90 डिग्री पर ना होकर यदि थीटा की वैल्यू 0 और 90 के बीच में हो तो उसका पाथ कैसा होगा और वो किस तरीके से मूव करेगा, ये डायग्राम बनाकर मैं समझा रहा हूँ। इस डायरेक्शन में ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी है और चार्ज एंटर हो रहा है इससे थीटा एंगल पर वी वेलोसिटी से क्यू चार्ज है। जैसे ही एंटर होगा तो इट विल स्टार्ट टू मूव लाइक दिस। इस तरीके से चलेगा ये। ठीक है, एक्चुअली कैसे जाएगा बता दूँ, यदि मेरा हाथ इस डायरेक्शन में, यदि मैग्नेटिक क्या है, बी की डायरेक्शन है और ये चार्ज एंटर हुआ तो इसके चारों तरफ से घूमते हुए आगे की ओर बढ़ते जाएगा, ऐसा पास में चारों तरफ घूमेगा, आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ते जाएगा। जैसे स्प्रिंग होता है, पेन में जो अंदर डाले होंगे ना स्प्रिंग, उसका जो शेप होता है वो शेप बनेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं हेलिकल शेप। ठीक है, तो इसका पाथ कैसा हो जाएगा, हेलिकल। एक मिनट, इसका जो है थोड़ी सी गड़बड़ी, हेलिकल। ठीक है, इसमें इस तरीके से जब रोटेट करेगा ये और रोटेट करके इस तरीके से उसके अराउंड होते हुए निकल जाएगा बाहर। ठीक है, 3D में है, ध्यान रखना, इस तरीके से आगे की ओर बढ़ रहा है वो। तो उस कंडीशन में इसके दो कॉन्जिक्यूटिव लूप के बीच की डिस्टेंस जो होती है, इसको पिच फैक्टर बोलते हैं, पी। आप देख रहे हो वेलोसिटी की डायरेक्शन यहाँ है, इट विल हैव टू कंपोनेंट्स। ठीक है, ये दोनों कंपोनेंट में ये वेलोसिटी का कंपोनेंट जो आएगा वी कॉज थीटा होगा और इधर पर हो जाएगा वी साइन थीटा। अब दिखाना वो चल रहा है क्या, तो ये वी कॉस थीटा और इसमें से वी कॉस थीटा जो होगा ये इसको आगे ढकेलेगा, जबकि वी साइन थीटा जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है बी के, वो इसको रोटेट करेगा। तो इसमें जो अपन वैल्यू लेते हैं, एफ एल मॉड इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, तो यहाँ वी की वैल्यू कितनी होगी भाई, वी कौन सा कंपोनेंट लेंगे, परपेंडिकुलर वाला, मतलब वी साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन आर। एफ एल की वैल्यू कितनी आएगी, क्यू वी बी साइन थीटा, ये लॉरेंज फोर्स होगा इस कंडीशन में, इज इक्वल टू एम वी साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन आर। एक वी साइन थीटा से वी साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो आर की वैल्यू मिल जाएगी एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू इन टू पी। जो चारों तरफ ऐसे गोल घूमते हुए चल रहा है उसकी रेडियस निकालेंगे तो इस फॉर्मूले से होगी, थीटा 90 लेने पर पुराना वाला फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, ये लगातार दो जो कॉन्सिक्यूटिव पोल्स हैं इनके बीच की डिस्टेंस टी टाइम पीरियड में कंप्लीट करेगा। तो टी की वैल्यू कितनी आने वाली है, सर्क्यूमफेरेंस अपॉन वेलोसिटी का वी साइन थीटा कंपोनेंट, क्योंकि वही उसको सर्कुलेट कर रहा है। आर की वैल्यू पुट कर देंगे टू पाई एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी अपॉन वी साइन थीटा, वी साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा तो टू पाई एम अपॉन क्यू बी, यानी टाइम पीरियड इज अनअफेक्टेड बाय थीटा। ठीक है, वेलोसिटी तो चेंज हो गया, आर तो रेडियस तो चेंज हो गया, लेकिन टाइम पीरियड हैज़ नॉट चेंज, इट्स वैल्यू डजेंट डिपेंड ऑन वेलोसिटी, डजेंट डिपेंड ऑन थीटा। ये इतना हो गया दो। अब हमको पी निकालना है, पी इज इक्वल टू टी इन टू वी कॉस थीटा। आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितने टाइम में कंप्लीट कर रहा है, टी टाइम में, लेकिन एक्स डायरेक्शन में कितना मूव करेगा, वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन लेंगे, टी इन टू वी कॉस थीटा। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, पिच फैक्टर की, ये हो जाएगा पिच फैक्टर। ठीक है, जिसकी वैल्यू होगी टी इंटू वी कॉस थीटा, याद रहेगा। तो ये इतना अपने को इसमें सीखना है। फिर से रिपीट कर दूं मैं, जब भी एक चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री पर नहीं बल्कि थीटा डिग्री पर एंटर कर रहा है, विच इज़ इन बिटवीन 0 एंड 90, देन इंस्टीड ऑफ ऑनली सर्कुलर मोशन, इट विल नॉट ओनली मूव इन सर्कुलर मोशन बट ऑल्सो विल मूव फॉरवर्ड अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड दैट्स व्हाई इट्स पाथ विल बिकम हेलिकल, कुंडलिनीवत हिंदी में, कुंडली जैसा होता है, आगे की ओर बढ़ते जाएगा कुंडली बनाते हुए और बढ़ते जाएगा। जैसे मैंने बताया पेन के अंदर जो स्प्रिंग वाली होती है
उसका शेप होता है जैसा। तो ये हेलिकल शेप में बढ़ती आ रहा है, ये 3D बनाया है, डायग्राम 2D में है लेकिन है 3D, थोड़ा ध्यान रखेंगे। अब इसमें जब एक बार सर्कुलर लूप कंप्लीट करेगा और आगे बढ़ के दूसरी बार जब कंप्लीट करेगा तो वो एक्स डायरेक्शन में कुछ आगे बढ़ जाएगा। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द चार्ज पार्टिकल अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन, अलॉन्ग डायरेक्शन ऑफ बी ड्यूरिंग वन टाइम इंटरवल टी इज डिफाइंड एज पिच फैक्टर। ठीक है, तो इस पिच फैक्टर की वैल्यू भी निकाल रहे हैं। तो पहले तो रोटेट कर रहा है दी, तो आपको पता होना चाहिए कि लॉरेंज फोर्स क्या करेगा। लॉरेंज फोर्स विल प्रोवाइड रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ सेंट्रीपेटल फोर्स, तो पहला तो ये रहेगा। तो लॉरेंज फोर्स की वैल्यू कितनी है, एम वी एफ एल मॉड इक्वल्स टू कितनी है, क्यू वी मॉड बी मॉड इंटू साइन थीटा, ये इक्वल टू होगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर होता है, लेकिन वी की वैल्यू क्या रखेंगे, वी साइन थीटा स्क्वायर। तो ये एक वी साइन थीटा से वी साइन थीटा कैंसिल हो गया, इससे आर की वैल्यू मिल जाएगी आपको। आपको एक बार आर की वैल्यू मिल गई तो आपको पता होना चाहिए टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू सर्क्यूमफेरेंस अपॉन वेलोसिटी। सर्क्यूमफेरेंस 2πr है, आर की वैल्यू यहाँ से रख देंगे एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी और अपॉन में वी साइन थीटा, तो वी साइन थीटा से वी साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा 2πm अपॉन क्यू बी। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। दैट मीन्स टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी एज वेल एज एंगल थीटा। ठीक है, उसके बाद उसके बाद अपन देखेंगे पिच फैक्टर। पिच फैक्टर मैंने क्या बताया था कि अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन आगे की तरफ भी बढ़ते जाता है, तो एक पूरे टाइम पीरियड में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है अलॉन्ग डायरेक्शन ऑफ बी दैट इज कॉल्ड पिच फैक्टर। तो उसकी वैल्यू पिच फैक्टर इक्वल्स टू टाइम पीरियड इंटू वी कॉस थीटा होगी, क्योंकि वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो उसको आगे ढकेल रहा है वो क्या है, वी कॉस थीटा है। तो टी की वैल्यू यहाँ से रिप्लेस कर देंगे 2πm अपॉन क्यू बी और ये हो जाएगा वी कॉस थीटा। इस फॉर्मूले से पिच फैक्टर की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा तब जब एंगल कितना हो, थीटा हो, बन जाएगा। तो इसको ध्यान से नोट कर लें अपन, क्या क्या लिखा हुआ है समझ लें इसको, ठीक, और फिर अपन आगे बढ़ेंगे। आप लोगों को कोई भी समस्या जा रही हो किसी भी तरीके की तो आप तुरंत ही मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते, ये सब अपने को पता होना चाहिए। तो जैसे उसने बोला 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, तो इसका मतलब होता है 1 इलेक्ट्रॉन इंटू 1 वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम इंटू 1 वोल्ट, कूलाम इंटू वोल्ट जूल होता है, तो 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल, ये 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू होगी। कई बार 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया रहता है, तो 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 1.6 × 10⁻¹³ जूल। ठीक, इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि अभी बहुत से क्वेश्चन आने वाले हैं न्यूमेरिकल जिसमें अपने को दिया रहेगा। फिर आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन यदि है, ठीक है, ड्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है, तो प्रोटॉन का मास तो नियरली कितना होता है आपको पता है, कितना होता है, 1.67 × 10⁻²⁷ kg, इलेक्ट्रॉन का 9.1 × 10⁻³⁹ kg, हाइड्रोजन का वही होता है जो प्रोटॉन का होता है नियरली, ड्यूट्रॉन का मास कितना होता है, नहीं 4 times तो किसका होता है, अल्फा पार्टिकल का, यदि अल्फा पार्टिकल है तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज 4 times ऑफ 1.67 × 10⁻²⁷ kg होती है, न्यूट्रॉन का 2 times ऑफ 1.67 × 10⁻²⁷ kg होगी। ठीक है, हाइड्रोजन का तो देखा ही गया है, अल्फा पार्टिकल पर चार्ज जो होगा वो +2e के बराबर होगा, ड्यूट्रॉन के ऊपर +e ही रहेगा, चार्ज उतना ही रहता है जितना हाइड्रोजन पर है, ठीक है, या e रहेगा, और प्रोटॉन पे भी कितना रहेगा, +e रहेगा, इलेक्ट्रॉन पे कितना रहेगा, -e रहेगा। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें मालूम होना चाहिए क्योंकि हमको अक्सर बोलता है कि प्रोटॉन ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल एंटर्स इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विथ कॉन्स्टेंट एनर्जी या विथ सेम एनर्जी, देन वॉट इज द रेशियो ऑफ देयर रेडाइज। ठीक है, तो रेशियो ऑफ रेडाइज फाइंड आउट करना है, तो सेम एनर्जी से एंटर हो रहे हैं तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, उस समय R इज इक्वल टू मैंने बताया था P अपॉन QB या अंडर रूट ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी अपॉन Q
क्यू बी। सेम मैग्नेटिक फील्ड में सेम काइनेटिक एनर्जी सेंटर हो रहे हैं, तो आर प्रोपोर्शनल हो जाएगा रूट एम अपॉन क्यू के। तो उस केस में रेडियस ऑफ प्रोटॉन रेशियो, रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन रेशियो, रेशियो ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड हीलियम इक्वल्स टू रेशियो प्रोटॉन में आएगा मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन चार्ज ई, रेशियो न्यूट्रॉन में आएगा ट्वाइस ऑफ मास लेकिन चार्ज ई ही रहता है, अल्फा पार्टिकल में रहेगा फोर टाइम्स ऑफ मास अपॉन टू ई। पूरे में रूट एम अपॉन ई का डिवीजन कर दें तो वन रेशियो रूट टू रेशियो वन, ये आएगा ना, बिल्कुल आएगा, एम अपॉन ई कैंसिल हो गया तो वन रेशियो रूट टू और ये फोर का टू हो जाएगा तो टू से टू कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा। यानी प्रोटॉन और हीलियम पार्टिकल ये सेम काइनेटिक एनर्जी सेंटर हो रहा है, तो प्रोटॉन और हीलियम पार्टिकल अल्फा पार्टिकल उनकी रेडियस सेम होती है, ठीक है, लेकिन न्यूट्रॉन की रूट टू टाइम्स होती है। तो ये छोटी छोटी बातों वाले क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उन सबको अपने को सॉल्व करना है, जो किस पर है, लॉरेंज फोर्स पर। ये लॉरेंज फोर्स किसके लिए था, चार्ज पार्टिकल के लिए। अपन इसके बाद नेक्स्ट देखने वाले जाने वाले हैं कि लॉरेंज फोर्स तब भी एक्ट करता है जब ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर हो और एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो, ठीक है, तब वो भी लॉरेंज फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो उस लॉरेंज फोर्स की वैल्यू कितनी होती है उसको मैं लिख दे रहा हूँ, इतनी चीज़ों को आप लोग, मैं एक फोटोग्राफ ले रहा हूँ इसका जो मैं अपलोड कर दूँगा क्लासरूम में, ठीक है, ताकि आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएँ। ओके, ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है और वो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखी है, तो उसके ऊपर लॉरेंज फोर्स क्या होगा। देखें, ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और ये एक ए बी वायर है जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, ठीक है, इसकी लेंथ ए से बी जो है ये स्मॉल एल है, ठीक, करंट आई फ्लो हो रहा है यहाँ से, ठीक। तो उस कंडीशन में, और ये एंगल जो दिया है इनके बीच का कितना है, ये थीटा है, किसके बीच में, वेक्टर एल और वेक्टर बी के बीच का एंगल। तो लॉरेंज फोर्स क्या बोलता है कि इसके ऊपर लॉरेंज फोर्स सेट करेगा, उसकी वैल्यू करंट की प्रोपोर्शनल होगी, उसकी वैल्यू लेंथ के प्रोपोर्शनल होगी, इसकी वैल्यू मॉड ऑफ बी यानी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होगी और इसकी वैल्यू साइन थीटा के प्रोपोर्शनल होगी, बिल्कुल वैसी का वैसी है, सिर्फ यहाँ लेंथ जाती है वेलोसिटी की जगह पर, ठीक है, इन चारों के प्रोपोर्शनल होगी। इकट्ठा करेंगे तो मॉड एफ इक्वल्स टू आई बी मॉड एल मॉड साइन थीटा आ जाता है, या इसी को आई इंटू एल क्रॉस बी लिखते हैं, किसमें, वेक्टर फॉर्म है। ये लॉरेंज फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर आ गया है। आया कहाँ से ये आर्टिकल, बहुत ईजी है, यदि हम बोलते हैं कि आई चार्ज फ्लो रहे हैं तो इसका मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो रहे हैं, आई इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी टी होता है, ठीक है, या अपने पास फॉर्मूला होता था कि सपोज एन एन नंबर ऑफ चार्जेस मूव कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, या क्यू चार्ज मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो क्यू वी बी साइन थीटा ये वैल्यू होती थी लॉरेंज फोर्स की, ठीक है। यहाँ पर वी की वैल्यू कितनी होगी, एल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, टी टाइम है तो कितना डी टी टाइम है, तो कितना हो जाएगा वी अपॉन टी, सॉरी वी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एल अपॉन, डिस्टेंस इज ट्रेवल इन टी टाइम तो लेंथ अपॉन टाइम हो जाएगा इन टू बी साइन थीटा, इसको रीअरेंज कर लेंगे क्यू अपॉन टी इन टू एल इन टू बी साइन थीटा, क्यू अपॉन टी क्या होता है आई, तो आई एल बी साइन थीटा, इस तरीके से हम डिराइव कर सकते हैं इस फॉर्मूले को जो हमने निकाला है, ठीक है। मान लेंगे कि इसमें ए से बी तक यदि करेंट आई फ्लो हो रहा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्यू चार्ज टी टाइम में फ्लो हो रहा है, ठीक, तब उस कंडीशन में उन क्यू चार्ज पर जो फोर्स एक्ट करेगा उसकी वैल्यू क्यू ही बी साइन थीटा होगी, क्यू चार्ज है, वी वेलोसिटी है और एल डिस्टेंस टी टाइम में ट्रेवल कर रहे हैं तो एल अपॉन टी वेलोसिटी वी की जा रख देंगे,
ठीक है, और ये इसको क्यू अपॉन टी कर देंगे रीअरेंज करके, क्यू अपॉन टी या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इसको करंट बोलते हैं, तो आई एल वी साइन थीटा आ जाएगा। तो इस तरीके से आप डिराइव कर सकते हो इस पहले वाले से, इस करंट कैरिंग कंडक्टर पर लगने वाले लॉरेंज फोर्स के फॉर्मूले को, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डायरेक्शन भी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से निकालते हैं, कल अपन इसको देखेंगे, ठीक है। तो कल ही परसों मंडे के दिन, तो आज जितनी चीज़ें बताई गई हैं सब बेस है, इसके आगे बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है अपने को, या उन सब का ये प्रिंसिपल बेस है। ओके, तो सी यू।